हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। आपको ये अपडेट रहने वाली है रेलवे में, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर इसके जो दोस्तों आवेदन है प्रारंभ हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको जाना पोर्टल पर, यहाँ पर ठीक आ जाओगे और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अप्लाई पर। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका जो नोटिफिकेशन है, यहाँ से मिल जाएगा आपको से नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होना है, रेलवे कौशल योजना के तहत दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होनी है। कहाँ कहाँ होनी है भोपाल में, तो आप लोग यहाँ पर देख लो। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर मैं स्टेट डाल लेता हूँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर करता हूँ मैं मध्य प्रदेश, और यहाँ पर डालता हूँ मैं ट्रेनिंग सेंटर का नाम। मान लो मैंने ये डाल दिया भोपाल, ठीक है। ये कौन सा रहने वाला मेरा, ठीक है ना, मैकेनिकल भोपाल, HRC भोपाल, ठीक है। क्लिक कर दिया मैंने, सर्च कर दिया। अब देखो इस यहाँ जगह पर जहाँ जहाँ ट्रेड जो चालू होंगी, यानी देखिए यहाँ पर इसके जो आवेदन होता है फेडर के, यहाँ पर होने वाली ट्रेनिंग आपकी 3 जून से प्रारंभ हो जाएगी, 22 जून तक ये आपकी चलने वाली, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कौन सी रहने वाली है, और नेक्स्ट करते हैं क्लिक, और ये रहेगा HRC WCL वाला, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो होने वाली है वो रहेगी इलेक्ट्रिकल की रहने वाली, 3 जून से 22 जून तक ये चलने वाली है। तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और नेक्स्ट कर ले, तीसरा क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, और तीसरा रहने वाली दोस्तों आपकी ये भी रहेगी बेल्डिंग की रहने वाली है, 3 से 22 24 जून तक चलने वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और कौन सा रहने वाला है, फोर्थ करके देखते हैं ये वाली, और इसको सर्च किया तो यहाँ पे आपकी नहीं रहने वाली, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रहने वाली आपकी बेल्डिंग वाली, ठीक है, ये भी आपकी चलने वाली 3 से 22 जून तक चलने वाली है। तो दोस्तों आपको यहाँ जाकर चेक करना। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे अप्लाई पे, और अप्लाई करने का जो लिंक है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सिंग इन पे क्लिक करोगे और साइन अप पे क्लिक करोगे, यदि आपके ID पासवर्ड बन चुके हैं, ठीक है। तो जिसके नहीं बने हैं मान लो इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर, ठीक है, पासवर्ड, ये आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग कर लेना रजिस्ट्रेशन। चलिए और इन्फॉर्मेशन की देख लेते हैं। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर ये जारी हुआ है, यानी इसकी जो आवेदन है 8 मई से प्रारंभ हो चुके हैं इसके जो आवेदन, ठीक है, और आपके चलने वाले दोस्तों 21 मई तक ही चलने वाले, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया, यानी आज इसकी लास्ट डेट, आज इसकी रहने वाली, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोग आज 12 बजे तक रात तक आप लोग कर लें इसमें आवेदन, ठीक है। इसका जो नोटिस क्लिक करोगे तो यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका, और हम बताते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। देखिए दोस्तों ये रहेगा नोटिफिकेशन, और आपका ये नोटिफिकेशन है रेलवे कौशल विकास योजना से निकाला गया है, और ये आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 जून की होने वाली है। हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी, मैंने ट्रेड आपको बता दिए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन दो, आपको 10वीं पास होना अनिवार्य रहेगा दोस्तों, यानी 10वीं के अंकों के मेरिट के आधार पर आपका चयन होना है। ये जो आपकी 18 से 35 वर्ष रखी गई है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है दोस्तों, और आप लोगों को आवेदन की पोर्टल से कर लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया, मैं लिंक दे दूंगा मेरी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। इसके पश्चात आपका यहाँ पर आपको देखिए आपको जो अटेंडेंस है, यानी आपको उपस्थिति 75 रहना पड़ेगा, और 3 वीक यानी 18 दिन की रहने वाली ट्रेनिंग, और आप पासिंग के लिए 55% रिटर्न में और 60% आपको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहेगा यहाँ पे। तो आपको दोस्तों आप जो करने वाले हो, 21 तक लास्ट डेट रहने वाली है, यानी आज इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है, तो आप लोग 12 बजे तक ही कर लें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ पे फोटो सिग्नेचर, 10वीं की अंकसूची, 10वीं का प्रमाण पत्र, आपका फोटो, ठीक है, पासपोर्ट या राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, ठीक है, और 10 रुपये का स्टाम्प बनने वाला है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपके लगने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यदि इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे जाकर, ये रहेगा नोटिफिकेशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।